वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनीषा राजू ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करो। और कहने का मतलब अभी पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे, हमारी लव स्टोरी का पार्ट 6 है, तो आप सभी थोड़ा प्यार दीजिएगा हम लोगों को भी। कॉलेज स्कूल और सबकी तो स्टोरी पूरी हो गई थी, तो अब हम जब घर से निकले थे तो सबसे पहले कहाँ गए थे, किसके पास रहे थे, ये आपको मनीषा बताएगी। हाँ, तो हम यहाँ से घर से कम 2 बजे के करीब निकले थे, फिर हम 4 बजे से चाकसू आए, चाकसू से हम अजमेरी गेट गए और वहाँ से हम करनाल की बस पकड़े, तो वो हमारा 400-400 रुपये किराया लिया था। 450 रुपये तो हमारा 900 रुपये किराया लगा था। फिर हम पानीपत उतर गए थे जंक्शन पे, यानी बस स्टैंड पे उतरे थे, फिर रात के 2 बजे वहाँ पे हम उतरे। फिर इनका कोई दोस्त था, उनका भी दोस्त था, तो वो पानीपत में रहता था, वो हमको रात को 2 बजे वहाँ से लेके गया, अपनी विक्की लेके आया था। और आपको तो पता ही है रात के 2 बजे बस स्टैंड पे कोई नहीं मिलता था, सच में ना बहुत सुनसान था और एक ओनली चाय वाला बस था और बस स्टैंड के आगे जो मेन गेट होता उसके लॉक लगा हुआ था, तो हमको भी ना वहाँ पे उतरते टाइम बहुत डर तो लग रहा था। बस से उतर तो गए थे लेकिन बहुत डर लग रहा था। फिर जो मेरा दोस्त था वो आया और रात को बाइक लेके, रात के 3-4 बज गए थे, 3-4 के बीच की बात है, तो जब तक हम वहाँ थोड़ी सी कुछ चाय पिए, चाय पीने के बाद जैसे ही वो आया हमको उसके रूम पे ले गया खाने के लिए, बोला तो हमको तो ऐसे ही डर सा लग रहा था, तो खाना वैसे मना कर दिए थे क्योंकि खाली थे हम रास्ते में ढाबे पे, तो वहाँ से हम अपने दोस्त के घर चले गए थे बोला। फिर हम रात भर वहाँ पे रहे, फिर सुबह उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया, उन्होंने हमारे लिए खीर बनाई और आलू और जो आती है ना सहजन की फली उसकी सब्जी बनाई, चावल बनाए, उन्होंने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। फिर सुबह हरियाणा वाले इनका दोस्त है जो, फिर सुबह होते ही उन्होंने बोला काम करोगे तो वहाँ, जैसे कि उनके रूम के पास में एक फैक्ट्री था उसमें काम करने की सोचे, तो वहाँ पे ना डर सा लग रहा था, तो मेरा एक दोस्त था उसको बुलाया, फिर वो मुझे ना अपने घर ले गया। सीधा घर ले जाने के बाद उसका खुद का ना जो फैक्ट्री था लिबर्टी का, जो अपने फौजियों के जूते बनते हैं उनका सिलाई होता था, वो काम करता था, उसका खुद का पर्सनल फैक्ट्री है, तो वो हमें वहाँ कॉलोनी में ले गया, वहाँ पे हम अनजान थे। और रही बात जब तक हम उसके पास पहुँचे थे ना, तब तक हमारे पास सिर्फ 100-200 रुपये बच रहे थे, ना तो हमारे पास राशन के पैसे थे ना कमरा लेने के, और आप तो समझते हो ऐसे अनजान में कौन कमरा देगा। उसी ने सब कुछ दिलाया था हमको, उसी ने हमें रूम दिया, उसके पैसे उसी ने दिया, किराया भी और राशन का पूरा सामान, उसकी दीदी है उसकी दुकान है तो वहाँ से हम लेके आते थे और वही हमें सारा सामान देते थे, महीने भर का राशन दिया। फिर बाद में जब हम काम पे लग गए थे तो फिर उनके पैसे दिए थे महीने भर। काम पे तो क्या लगे थे, काम पे लगे ही नहीं थे यार। उसके बाद पता है इसको छोड़ के मुझे मंडी में जाना पड़ा था, पता है मंडी में एक दिन गया ना, वहाँ पे ना चावल के कट्टे उठाने पड़ते हैं 50 किलो के चावल के कट्टे उठा के और पीठ पे रखने के बाद उसको ऊपर पहुँचाना पड़ता था। कहने का मतलब जैसे दही नहीं लगती है ऊपर, जिसे हम ढाई क्या कुछ भी बोलते हो आप, उसको ऊपर पहुँचाना पड़ता था, तो उसके करीबन 2-1 रुपया 10 रुपया इतना कभी कभी मिल जाता था। तो मैं तो सिर्फ एक दिन ही गया था तो हमारे पास राशन तो नहीं था, तो वहाँ जैसे ही काम किया तो उसको बोला कि मेरे को सिर्फ 200 रुपये चाहिए, तो उसने 200 रुपये दे दिए थे। और खर्चा पानी देते हैं ना, पहली बार जाते हैं उसको थोड़ा खर्चा देते हैं, और इनको कम से कम 5 किलो चावल दिया बनाने और खाने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से 5 किलो चावल ले आया और जो राशन था वो एक इनके, वो जो मेरा दोस्त था उनकी दीदी थी तो हम भी उसको दीदी बोलते थे, तो उन्होंने हमें पास में उनकी दुकान थी कमरे के, तो उन्होंने हमें पूरा राशन दिया उधार पे और उसी से हमने काम चलाया। और जैसे ही 10-15 दिन उस कमरे में रहे तो क्या, कमरा बिल्कुल छोटा सा था, जैसे रसोई में रहे थे हम 15 से 20 दिन करीबन, और ना कहने का मतलब जैसे अच्छे से अगर अचानक से उठ जाओ तो ऊपर सर में लगती थी, इतना छोटा सा था, यानी एडजस्ट कर रखे थे। मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ता है, मनीषा जी तो परेशान हो गई थी 15 दिन में। हाँ, उसमें ना तो कपड़े रखने की जगह थी, ना बर्तन रखने की जगह थी, और ना ही उसमें कुछ ऐसी जगह थी, सोने की जगह भी नहीं थी ठीक से, इधर उधर दीवार के
दीवार गिरते थे तो प्लस्तर करके नीचे गिर जाता था ऐसे, तो रूम में रहे। उसके बाद जैसे हम आगे वहाँ से, मनीषा जी ने बोला मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला तो वो अपने घर की तरफ ले गया रूम के लिए कि अब मैं उधर ही रखूँगा आपको। तो उन्होंने एक अपने घर पे ले गया, तो वहाँ पे एक दिन रुके। फिर मनीषा जी ने बोला कि जहाँ काम करेंगे वहाँ नहीं रुकेंगे, तो फिर मनीषा जी ने मना कर दिया। तो हमने उसके घर रहने के लिए, मैंने भी मना कर दिया कि चलो, इन्होंने बोला तो अब आप भी समझते हो कि जिसके घर में काम करो उसके घर में रहना अच्छा भी नहीं लगता। मैंने तो बोल दिया था बट मनीषा जी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं नहीं रहूँगा। और हम जैसे ही दूसरे मकान में गए तो मकान मालिक ना बहुत दिलदार आदमी था ना, ऐसा लगा आज भी ना वो हमें बहुत याद करते हैं। हम जाएंगे उनके होली के आसपास जाएंगे, हमने कल भी बात की थी उस मकान मालिक की और आंटी जी के पास रहे थे ना हम, तो हमको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, हमें ऐसा लगता था जैसे हमारा परिवार वहीं पे है और हमें अपने बेटे बेटे की तरह रखते थे। और आज भी वो हमें अपने बेटा और बहू मानते हैं और रोज़ बुलाते हैं, तो हमें उनकी बहुत याद आती है। अगर हमारे अंकल जी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आई मिस यू अंकल जी और आई मिस यू आंटी जी। और सच में ना उनकी याद भी बहुत आती है, तो या तो वो खुद आएंगे या हम ज़रूर मिलने जाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि हम पहले कहाँ रहते थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉक में, तब तक के लिए हम जा रहे हैं, अभी नहाएंगे क्योंकि 24 घंटे में रूम धोएंगे। और ये पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, तो आप सभी को पता है। तो आपके हाथ जोड़ के हम दोनों से निवेदन है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें और हमारी लव स्टोरी क्या इंटरेस्टिंग है आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई मिस यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बाय, गुड इवनिंग।